पूरे देश में विजयदशमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। अंबाला की बात करें तो अंबाला में भी विजयदशमी के दिन आरएसएस स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। अंबाला कैंट एसडी कॉलेज में आरएसएस संचालकों के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ और कार्यक्रम की शुरुआत झंडा पूजन करके की गई। इस मौके पर संघ के संचालक ने यह बताया है कि विजयदशमी का 98वां पर्व मनाया जा रहा है। हमारे आरएसएस के जो 6 राष्ट्रीय पर्व हैं उनमें से सबसे प्रमुख विजयदशमी का पर्व है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसी दिन 1925 में संघ की स्थापना हुई थी और विश्व में सबसे बड़ा संगठन है जो कि समाज सेवा के कई कार्यक्रमों में लगा हुआ है। उन्होंने एक भी कहा है कि आज सर्वप्रथम शस्त्र पूजन किया जाता है और इसके बाद शहर के जो अलग अलग एरिया हैं उनसे वहां से स्वयं सेवक संघ के द्वारा पथ यात्रा की जाती है की गई है निकाली गई है। नवरात्रि के बाद विजयदशमी के खास अवसर पर सिंदूर खेला जो है वो दुर्गा माता को प्रसन्न करने के मौके पर खेला जाता है। इस समय आप देख सकते हैं दुर्गा पंडाल में किस तरीके से महिलाओं का उत्साह है, हुजूम है, लगातार डांस कर कहा जा सकता है। उसी के साथ में भजन और गान जो है उन सब के माध्यम से जो अपना उत्साह है उसको जाहिर किया जा रहा है। सिंदूर खेला का मतलब यही होता है कि जो विवाहित महिलाएं होती हैं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर खासकर माता रानी की विदाई करती हैं और अगले वर्ष दोबारा से वो वापस इसी तरीके से अपने मायके की ओर लौटे इस परंपरा को आगे बढ़ाती हैं। क्या नाम है आपका? पारमिता मुखर्जी जी। सिंदूर खेले का आयोजन होता है दुर्गा माता के सामने समक्ष जो है आप लोग मौजूद है, इसका क्या कुछ महत्व है? पहले ये माँ को मतलब हम लोग खुश होते हैं कि माँ आई है हमारे पास 5 दिन के लिए। माँ दुर्गा कम्स टू हर मदर्स होम, दिस इज मैटरनल होम विद हर किड्स। सो सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश एंड कार्तिक आर सपोज टू बी हर चिल्ड्रन। सो व्हेन शी कम्स वी द होल अर्थ वी वेलकम हर और बहुत खुशी से उनको हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ 5 दिन रहती है, पूरी खुशियां मनाते हैं, पूजा, खाना पीना, मस्ती, सब कुछ। अब वो जा रही है अपने पति के घर, तो हम लोग वो सुहागन होने का जो खुशी वो भी मनाते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी इतना ही खुशी से वी विल वेलकम हर, फिर से आए और हम लोग भी उन्हीं के साथ उतनी खुशियां मनाए। क्या कहना चाहेंगी मैम दुर्गा पूजा के अवसर पर? सबसे पहले सबको बेस्ट विशेस। माँ जब आती हैं तब भी हम एंजॉय करते हैं, माँ को विदाई कर रहे हैं तब भी एंजॉय कर रहे हैं, सब पीसफुली सब अपने घर में खुश रहे, मैरिड लेडीज, अनमैरिड लेडीज, सभी पूरे बच्चों के लेके सबके साथ खुश रहे। और हम लोग बंगाली में बोलते हैं आष्टे बछर आबार हबे, मतलब वी विल सेलिब्रेट अगेन, कीप कमिंग, कीप ब्लेसिंग अस ऑल एंड दैट इज इट। आप लोगों ने ये जो सिंदूर जो है गालों पर लगाया है, मांगों में भरा है, इसका क्या महत्व है खासकर इस सिंदूर खेले के? ये तो खेलने का हमारा माँ का जब आती है तो वो बोलते हैं बहुत जल्दी से खुशियाँ मनाते हैं और मैं आती है तो हम 5 दिन से इंतजार करते हैं, तो जब कब माँ आए और हम खुशियाँ मनाए और सिंदूर खेले और बहुत इंजॉय से इंजॉय करें हम इसमें। पूरे 5 दिन हम लोग पहले से इंतजार करते हैं कि माता आने की और 5 दिन पूरा षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, आज दशहरा दिन के लिए हम बहुत खास तरह से इंतजार करते हैं और जो सौगिन होते हैं सिंदूर खेलते हैं और सब मिलकर एंजॉय करते हैं। माता रानी जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी महिलाएं हैं, सबने सिंदूर खेला है, एक दूसरे को सिंदूर लगाया है, किस तरीके का उत्साह है? हर बार माता रानी आती हैं, आप लोग विदाई देते हैं, उसके बाद किस तरीके का उत्साह? उसके बाद हम लोग क्या कर, पहले तो आपको एक चीज बता रही हूँ, आस्ते बचुर अबर हवे, ये हमारा बंगाली वर्ड है, बोलो दुर्गा जय, ये है। हम लोग क्या है सालों भर हम लोग वेट करते हैं इसके लिए। इस 4 दिन में हम लोग क्या करते हैं, पंडाल में भोग खाना, मतलब सुबह से ही हम लोग तैयारी, सुबह हुआ उठ के नहा के पंडाल में आ जाते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग नया कपड़ा, मतलब नया ड्रेस पहन के आ जाते हैं, अंजलि देते हैं, उसके बाद भोग खाते हैं, मतलब सारे मस्ती, पूरा दिन कल्चरल प्रोग्राम होता है यहाँ पे, स्पोर्ट्स होता है हम लोगों को, मतलब क्विज कंपटीशन होता है, प्राइज मिलता है, गिफ्ट, सब लोग, हम लोग पूरा दिन मस्ती, फ्रेंड लोग आ जाते हैं, हमारा रिश्तेदार आ जाते हैं यहाँ पे, सब लोग मिलके पूरा 4 दिन हमारा पता ही नहीं चल जाता कैसे बीत जाते हैं हमारा। मतलब पूजा के उसी में हम ये सब भी करते हैं, पूजा इज द एसेंस ऑफ दिस होल रिचुअल। अच्छा एक बार माता रानी के लिए जयकारा है, बोलो बोलो दुर्गा माई की, बोलो बोलो दुर्गा माई की, बोलो बोलो आबार होबे।
देखिए जिस तरीके से दुर्गा पूजा के आयोजन पर महिलाएं जो है खास इस अवसर पर सिंदूर खेला खेलती हैं और माता रानी को विदाई देती है और ये मनोकामना करती है कि अगले वर्ष दोबारा से माता रानी अपने मायके की ओर प्रस्थान करें और बच्चों सहित पति की जो मनोकामना है उन सब चीजों का भी ध्यान रखें और घरों में खुशहाली का जो मंजर है वो बना रहे। इस खास पेशकश को आप देख रहे थे कैमरा पर्सन सुरभि के साथ, मैं रिया टोबल टीवी दिल्ली।